इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस प्रशासन को बम मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम और बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची और देखा कि वहां पॉलिथीन में टमाटर जैसा कुछ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सावधानी से उस पॉलिथीन को फॉरेंसिक लैब पहुंचाया और अभी प्रशासन जाँच में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि वह वस्तु विस्फोटक है या नहीं। आज लगभग 1:30 बजे करीब सूचना मिली थी कि बांगरदा चौराहा सुपर कॉरिडोर के ऊपर एक तालाब है, वहाँ पर वो तालाब के किनारे पर एक कोई बम जैसा डिवाइस पड़ा हुआ है और उसकी सूचना पर जो है पुलिस मौके पर पहुँची और व्यवस्था की और उसके बाद बीडीएस टीम भी मौके पर आई। बीडीएस टीम के द्वारा जो है उसको चेक किया गया और उसको उस पर जो भी सर्किट लगा था उसको कट किया और उसमें टाइम वॉच भी थी तो उसको भी जो है वो उसको भी कट किया और उसको उन्होंने चेक किया। उसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक उसमें कोई एक्सप्लोजिव होना नहीं पाया गया और ना ही कोई डिटोनेटर होना पाया गया। अब किन परिस्थितियों में या तो किसी शरारती तत्व के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा जो है इसको यहाँ पर देखा गया होगा, इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है।